हे, कैसे हैं आप सभी। तो अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। एंड यहाँ पर है कुछ केसेस, देखिए प्रिंट ऑफ आई करके है, एक इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हैं। एंड वहाँ पर अगर आप विकगी करके कोड यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा एंड वहाँ से आप केसेस ले सकते हैं। एक्चुअली इन्होंने अप्रोच किया था मुझे दिखाने के लिए केसेस कैसा है करके, तो भेजा है केसेस। यहाँ पर देखिए इनका अलग अलग कस्टमाइजेबल केसेस है, जैसे कि आप नाम देख सकते हैं, वैसे अपना नाम भी आप वहाँ पर डालवा सकते हैं। अपने केसेस में बैक साइड प्रिंट करके देते हैं बेसिकली, तो आप जो भी केसेस हो, जो भी मोबाइल हो, उसका केसेस मिलते हैं। हार्ड शेल है प्लास्टिक का, तो ऐसे वाला केसेस अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल प्रिंट ऑफ आई करके है इंस्टाग्राम पर। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर बिल्कुल कंसिडर कीजिए अगर आप बाई कर रहे हैं कुछ केसेस अपने मोबाइल के लिए, वो भी कस्टमाइज्ड वैरायटी डिफरेंट का। तो आज का वीडियो है स्क्रीन प्रोटेक्टर। तो मोबाइल के लिए स्क्रीन प्रोटेक्टर कौन सा लेना है, आइदर टेम्पर्ड ग्लास लेना है या फिर जो मैट वाला फिनिश होता है वो वाला लेना है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप बिल्कुल टेम्पर्ड ग्लास लीजिए, क्योंकि थोड़ा लॉन्जिटिविटी जो रहता है, रिलायबिलिटी वो ज़्यादा रहता है। अगर आप मैट फिनिश लेंगे तो सबसे पहला ऑलरेडी नोट 9 का ब्यूटीफुल डिस्प्ले जो है वो ख़राब कर देता है अगर आप मैट डिस्प्ले का जो मैट प्रोटेक्टर है वो लगाएंगे तो। क्योंकि मैट सी, अगर आप, आपका मान लीजिए मॉनिटर है घर में, तो मॉनिटर देख रहे हैं उसमें ग्लॉसी फिनिश का मॉनिटर है, तो उस पर अगर आप मैट लगाएंगे तो एंटी ग्लेयर डिस्प्ले बनके आपको हेल्प करेगा। एक्चुअली वैसे वाले डिवाइसेस में अच्छा लगता है, नॉट इन मोबाइल। मोबाइल एक ऑलरेडी बिल्ट डिवाइस है, जो ग्लास है वहाँ पर गोरिल्ला ग्लास, वो अच्छी तरह से काम करता है एज ए एंटी ग्लेयर डिस्प्ले टू। एंड उस पर जाकर अगर आप मैट वाला लगा देंगे तो बिल्कुल ब्यूटीफुल डिस्प्ले जो है वो ख़राब कर देगा, लुक वाइज हो या फिर टच रिस्पॉन्स वाइज। तो मेरा सजेशन ये है कि आप टेम्पर्ड ग्लास लीजिए। एंड मैंने ऐसे ही मार्केट में देख रहा था तो फ्लिपकार्ट पर मुझे टफली स्क्रीन प्रोटेक्टर मिला है, इसका भी मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ से आप बिल्कुल खरीदी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली टेम्पर्ड ग्लास है, होपफुली बहुत अच्छा आएगा। मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे आप विदाउट क्रिएटिंग एनी बबल्स कैसे आप अच्छी तरह से अटैच कर सकते हैं अपने मोबाइल को स्क्रीन प्रोटेक्टर। तो चलिए देखते हैं कितना अच्छा है ये टफली वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर। एंड इनका एक खास बात मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने इस डब्बे को और एक डब्बे में डालकर भेजा है, तो ये वाला डब्बा भी आप बाद में यूज़ कर सकते। देखिए कितना खूबसूरत अच्छा क्वालिटी का डब्बा है, नॉट बैड, अप्रिशिएट दिस जेस्चर। ऑफकोर्स मैंने 600 रुपीज़ पे किया है एंड यहाँ पर 1300 रुपीज़ इनका MRP है, तो 600 रुपीज़ इज़ अ वेरी गुड डील इफ़ दिस वर्क्स आउट टू बी रियली नाइस। तो चलिए देखते हैं, अटैच करते हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर नोट 9 को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकें। तो देखते हैं चलिए टेम्पर्ड ग्लास कैसे अटैच करें अपने मोबाइल को। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये है डस्ट अब्जॉर्बर, जो भी डस्ट पार्टिकल्स रहता है वो खींचता है, तो इसके लिए आप स्टिकर यूज़ कर सकते हैं। एंड वैसे ही एक गाइड स्टिकर्स है, तो गाइड स्टिकर्स के ज़रिए आप ऐसे अच्छी तरह से टेम्पर्ड ग्लास को पकड़ के बिना कोई डस्ट नीचे आए वैसे आप अटैच कर सकते हैं। एक्चुअली तो दो वाइप्स दिए है, एक वेट है एंड एक ड्राई, तो वेट वाइप से एक बार अच्छी तरह से साफ करें अपने मोबाइल को ताकि कोई भी डस्ट स्पॉट्स स्पेकल्स जो रहता है वो कुछ भी नहीं रहे। तो जैसे कि आप एक देख सकते हैं ये है ड्राई वाइप, तो वेट वाइप होने के बाद ड्राई वाइप करेंगे, तो क्योंकि वो ठीक से ड्राई नहीं हुआ था इसलिए आप ज़रूर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ अच्छा वाला रखिए ताकि आप अच्छी तरह से क्लीन कर सकें। कई बार माइक्रोफाइबर क्लॉथ से भी डस्ट स्पेकल्स आ जाते हैं अगर पुराना यूज़ कर रहे हैं तो अगर वैसे हो रहा है तो डस्ट अब्जॉर्बर का एक स्टिकर लेके आप जस्ट स्पॉट्स को रिमूव कर सकते हैं ऐसे। एंड उसके बाद गाइड स्टिकर को ऐसे पकड़ के आप बिल्कुल पहले टॉप पार्ट जो है उसको आप अटैच कीजिए, वो सारे होल्स जो स्कैनर का, आयरिस स्कैनर का हो या फिर स्पीकर ग्रिल का हो, अच्छी तरह से मैच हो पाए। एंड वैसे ही आपको वहाँ से जो बॉटम पैनल है वो अच्छी तरह से जस्ट अगर आप ऐसे रखेंगे तो इंस्टेंटली ठीक से बैठेगा। एंड वहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ एक वे से, एक साइड से आपको वाइप करना है, दोनों साइड से नहीं। तो पहले आप अच्छी तरह से एक साइड से वाइप करके उसके बाद आप जैसे चाहिए वैसे एक बार साफ़ कर देंगे। तो ये रहा टेम्पर्ड ग्लास अटैच्ड ऑन ए नोट 9। तो बहुत आसान है, बस आपको देखना है कि डस्ट स्पेक्स कुछ भी नहीं रहना है, बहुत ही साफ़ और क्लीन रहना है। एंड उसके बाद देखिए बहुत ही अच्छी तरह से वर्क होता है। एक्चुअली ये वीडियो मैंने पहले बनाया था क्योंकि ऑलरेडी 15 डेज हो चुका है मैं स्क्रीन गार्ड लगाकर,
तो रिव्यू यह है कि ऑफ कोर्स अच्छी तरह से वर्क होता है, लेकिन ऑन द साइड्स जो है वो ठीक से टच वर्क नहीं होता है कई बार, तो इसलिए वेरी हार्डली प्रेस करना पड़ता है। तो उसके अलावा जो नॉर्मल हम डेली यूसेज करते हैं वो ठीक है, एंड टाइपिंग के लिए भी कई बार थोड़ा मिस हो जाता है कीवर्ड्स, तो इसके लिए थोड़ा हार्ड प्रेस करना पड़ता है। तो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ऐसा वाला स्क्रीन गार्ड ले सकते हैं, नीचे लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप खरीदी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कर्व्ड ग्लास भी है, तो अच्छी तरह से फिट हो जाएगा नोट 9 को। अभी भी यहीं यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट आपको थोड़ा गेट यूज्ड टू होना है बस। तो होपफुली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करके बने रहिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना बाय बाय।